अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ व्यूवर्स को, अजीज़ किचन में वेलकम। तो आज हम बना रहे हैं फ्राइड चिकन, तो वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, मेरे पास 1.5 kg चिकन है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सिरके के, 1 चम्मच भर के डालेंगे नमक का। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स, 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। व्यूअर्स, चिकन हमारा अच्छे से वॉश हो चुका है। अब हम इसे टोकरी में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। व्यूअर्स, चिकन को अब हम ड्राई होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाए। व्यूअर्स, पानी खुश्क हो चुका है। अब हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। व्यूअर्स, आपने इसी तरह गहरे गहरे कट्स लगा लेने हैं। व्यूअर्स, अब हम इसकी करेंगे मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले जाएगा 2 चम्मच लेमन जूस। व्यूअर्स, 2 चम्मच ही जाएगा लहसुन का पेस्ट। व्यूअर्स, 2 चम्मच ही जाएगा अदरक का पेस्ट। मैंने चूंकि अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, आप इसकी जगह पे पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको घर की ऑर्गेनिक चीज़ों से आसान रेसिपीज़ बनाना सिखाऊं। और व्यूअर्स, 1 चम्मच जाएगी काली मिर्च। और 1 चम्मच ही जाएगी सुरख मिर्च पिसी हुई। और 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा हल्दी। और व्यूअर्स, 1/2 चम्मच जाएगा नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले धोते वक्त भी यूज़ किया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। मैरिनेशन के लिए कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और व्यूअर्स, जितना ज़्यादा आप टाइम मैरिनेशन को देंगे, उतना ही ज़्यादा टेस्ट होगा। व्यूअर्स, 3 घंटे हो चुके हैं और मैरिनेशन हो गई है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स, कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा दिया है। फ्लेम को करेंगे ऑन और इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। व्यूअर्स, जब तक ऑयल गर्म होता है, उतनी देर तक हम मैदे की कोटिंग कर लेते हैं। कोटिंग के लिए 1 बर्तन में जाएगा मैदा। बिस्मिल्लाह। व्यूअर्स, अब हम मैदे की कोटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। पानी में करेंगे हल्का सा डिप, फौरन निकाल लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह क्रम्स बन चुके हैं, आप देख सकते हैं कैसे वाजे नज़र आ रहे हैं। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। बस चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना और आँच को मीडियम रखना है। बस 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम लेग पीस की साइड चेंज कर देते हैं। व्यूअर्स देखें सुनहरी कलर आना शुरू हो गया है। अब हम आंच को कर देंगे थोड़ा सा स्लो ताकि अंदर तक डीप फ्राई हो जाए। व्यूअर्स फ्राइड चिकन रेडी हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारा फ्राइड चिकन कैसा जूसी बना है अंदर से, बिल्कुल बाहर से सख्त है और अंदर से बिल्कुल नरम है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइड चिकन बहुत ही मज़े का बना है, बहुत क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।